जय माता दी। मुकेश मंत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस बार के अष्टमी को लेकर लोगों में कंफ्यूज है कि आखिर अष्टमी इस बार कब मनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अष्टमी की कथा सुनाएंगे, पूजन विधि बताएंगे और आपको बताएंगे कि हमें इस साल 2020 में अष्टमी कब करना है, किस तारीख को करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नवरात्र में 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। इस साल अष्टमी 24 अक्टूबर शनिवार को मनाई जाएगी। इस दौरान माँ दुर्गा के भक्त माता का आशीष प्राप्त करने के लिए 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। भक्तों के स्नेह को देखकर माता रानी प्रसन्न होकर भक्तों को आशीष देती है। कहते हैं कि नवरात्र में देवी की उपासना करने से भक्तों की मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। शारदीय नवरात्र की अष्टमी नवमी तिथि को ही व्रत का पारायण हो जाता है। इस बार अष्टमी माँ महागौरी की पूजा 24 अक्टूबर शनिवार को होगी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कलश विसर्जन। पूजन से माँ भगवती प्रसन्न होकर आशीष देती है और इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, चलिए अब आपको हम इसकी कथाएँ सुना देते हैं। दुर्गा पूजा को लेकर कई लोक कथाएँ हैं। एक लोक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठर ने नवरात्र के महानवमी और दुर्गा अष्टमी की पूजा पर आपस में चर्चा की थी। इसका वर्णन पुराणों में भी देखने को मिलता है। दूसरी ओर देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुए युद्ध का प्रतीक भी माना जाता है। कहते हैं कि राक्षस महिषासुर ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर कई वरदान मांग लिए। इसके बाद असुर सेनाओं के साथ मिलकर देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं दुर्गा अष्टमी की मान्यताएं। दुर्गा अष्टमी और महानवमी की पूजा युगों युगों से होती आ रही है। माँ दुर्गा की पूजा देव, नर और असुर सभी करते हैं। दुर्गा पूजा का शुभारम्भ नवरात्र से एक दिन पहले महाल्या से होती है। मान्यता है कि महाल्या के दिन शाम को माँ दुर्गा कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पर आती है। पूरे 9 दिनों तक यहाँ पर रहकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। दोस्तों, चलिए अब हम आपको माँ महागौरी की पूजा विधि बताते हैं। यह करने के बाद व्रतियों को कन्या रूपी देवी को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद उसे उपहार देना चाहिए। कंजक पूजन के बाद देवी भगवती का अपने परिवार के साथ ध्यान करें। माँ भगवती से सुख समृद्धि की कामना करें। इसके बाद या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संसिता नमस्तस्यै नमो नमः का 11 बार जाप करें। दोस्तों, चलिए अब हम आपको माँ की कुछ मंत्र बताते हैं जिसको आप ध्यान कर सकते हैं। श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतरम्बधरा शुचि महागौरी शुंभ ददा न महादेव प्रमोददा। दोस्तों, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। ये माँ का मंत्र है। दूसरा जो माँ का ध्यान मंत्र है वो ये है। या देवी सर्वतेषु माँ गौड़ी रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, इस मंत्र को आप पढ़ें और माँ की उपासना करें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।